नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन और हमारी आज की रेसिपी है माश की दाल। माश की दाल बनाने के अज्जा। माश की दाल एक कप, प्याज एक दरमियानी साइज, टमाटर एक दरमियानी साइज, हरी मिर्चें मोटी वाली 3 अदद, कुकिंग ऑयल 1/4 कप, साबुत जीरा 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, साबुत लाल मिर्चें 3, और गार्निश के लिए हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। माश की दाल बनाने का तरीका। सबसे पहले हम माश की दाल को बॉईल करेंगे। हम एक कुकिंग पैन लेंगे जिसमें हम 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे और इसमें हम 1 कप माश की दाल शामिल करेंगे और माश की दाल को उस वक्त तक बॉईल करेंगे जब माश की दाल में एक कन्नी रह जाए। जब माश की दाल में एक कन्नी रह जाए तो हम स्ट्रेनर से इसका पानी ड्रेन आउट कर देंगे। फिर दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन में हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे, इतना कि प्याज अच्छी सी लाल हो जाए। याद रहे, ना तो प्याज जलनी चाहिए और ना ही काली होनी चाहिए। जब प्याज अच्छे से लाल हो जाए तो आप इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लें और इसको फैला दें ताकि प्याज क्रंची हो जाए। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप प्याज ब्राउन होने के बाद इसी कुकिंग पैन में 3 लाल मिर्चों को 1/2 करके शामिल करेंगे। जब लाल मिर्चें हल्का सा कड़कड़ाने लगें तो आप इसमें 1 टमाटर बिना छिलके के क्यूब्स में काट के शामिल करेंगे। जब टमाटर नरम हो जाए और अच्छे से मैश हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा फ्रेशली क्रश्ड करके शामिल करेंगे और हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे और इसमें हम वो दाल जो हमने एक कन्नी तक पकाई है वो दाल शामिल करेंगे। दाल शामिल करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे और दाल को दम पे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब दाल को मुकम्मल दम आ जाए तो हम इसमें हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और अगर आपने बआसानी तरीके से पैन से प्याज निकाल लिए थे तो क्रिस्पी क्रंची प्याज ऊपर से गार्निश करेंगे, मिक्स करेंगे और मज़ेदार सी माश की दाल सर्व करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी माश की दाल। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।